हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज धाकड़। आई एम फ्रॉम जेएमसी दतिया। आई एम सॉरी उन सब लोगों को जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे, क्योंकि उन्होंने कमेंट्स किया था कि दी कैंपस का टूर करा दीजिए, तो थोड़ा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया, क्योंकि मैं घर दिवाली में घर चली गई थी और फिर वापस आई तो पता चला कि हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाल लिया, तो अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं कैंपस। ये कॉलेज का जो है मेन गेट है, आगे का फ्रंट मेन गेट जो है, ठीक है। ये मेरे बैचमेट्स हैं जो अपने हॉस्टल जा रहे हैं, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल जो है कैंपस से बाहर है, गर्ल्स हॉस्टल ही ओनली। ये गार्ड भैया हैं, इनके बिना परमिशन के कोई भी हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। हमेशा परमिशन के बाद ही आते। ये हमारा कॉलेज का फ्रंट ऑफ व्यू है। इधर ये डीन ऑफिस है। ये मेरी बैचमेट्स है, क्योंकि अभी सर लेट आई थिंक क्लास नहीं आए थे। ये हमारा जो है लॉन वाला एरिया है ना, एंट्री गेट पे बहुत सुंदर लगता है, बहुत ब्यूटीफुल है। फिर अभी हम चलते हैं, सबसे पहले हम जो फर्स्ट ईयर के हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारी जो क्लासेस होती हैं वो एलटी में लगती हैं, लेक्चर थिएटर में। ये जो बोर्ड देख रहे हो, ये नोटिस बोर्ड है, जिस पर जो भी उससे रिलेटेड, बायोकेम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर लग जाती है। अभी हम जा रहे हैं अपने बायोकेमिस्ट्री लैब, ठीक है। तो लैब तो आई थिंक अभी बंद है। ये भैया हैं जो ये दूसरे लैब वाले रूम के बगल में रहते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड कराते हैं सर की प्रेजेंट में। ये हमारा डेमोंस्ट्रेशन रूम है, जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल का जो थ्योरी क्लासेस होता है वो लगता है। देन ये जो आप देख रहे हो इधर, इसमें ये जो बायोकेमिस्ट्री लैब है, ठीक है। इधर हमारा आई थिंक उसका वो है कुछ था, है ना। अभी हम जा रहे हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि हमारा सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है। ये हमें आगे का हाईवे वाला पार्ट दिखता है। ये मेरे बैचमेट्स हैं, क्योंकि ना हमारे देखो क्लास में 120 स्टूडेंट हैं, उनके तीन बैच बनाए हैं, ए बी सी, 40-40 स्टूडेंट के तीन बैच हैं। तो मेरा जो बी बैच है, तो हम सारे लोग जो हैं अभी फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में जा रहे हैं। तो आज हमारा जो है हेमेट का प्रैक्टिकल है। ये फ्रंट ऑफ व्यू है। चलो हम चलते हैं अभी। जी मेरी बैचमेट्स हैं इधर। ये है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी, मेरी हेमेट की जो लैब है ना, ये जो है एमपीवीएन वाला जो है लैब है, ठीक है, क्लिनिकल फिजियोलॉजी लैब इसमें होता है। तो आज हमारा जो है हेमेट का है, ये सर हैं, ये हमारा हेमेट का लैब है ना। तो हमारे इसमें 40 स्टूडेंट हैं, और माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप पर दो स्टूडेंट काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है हेमेट का लैब हो गया। देन हम वापस चलते हैं, अब एक और सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जो कि जिसकी क्लास ओनली वीक में एक बार लगती है, वो है कम्युनिटी मेडिसिन। इधर हमारा कम्युनिटी मेडिसिन है, ठीक है। तो हमारे दो डिपार्टमेंट्स हो गए, सॉरी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेम। अब हम चलते हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें हमारा ज़्यादातर टाइम, ज़्यादातर डे उसी में बीतता है, वो है एनाटॉमी डिपार्टमेंट, ठीक है। इसी का हमारा प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होता है डीएच में। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने फेवरेट डिपार्टमेंट में। ये है जो है डीन सर का ऑफिस है इधर। ये हमारा जो है एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ ये है हमारा डीएच। एक ब्रांच पे हम 10 स्टूडेंट बैठते हैं, और ये हमारा डिसेक्शन हॉल, जिसमें जैसे मान लो हमने पेनक्रियास पढ़ लिया, तो हमें डिसेक्ट करना है यहाँ पे। मान लो हमने लोअर लिम्ब पढ़ा है, तो हमें उसकी मसल्स डिसेक्ट करनी है, ठीक है। माने हम जो है कैडेवर पर डिसेक्ट करके सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। अब
शायद कैडेवर समझ में ना आए, डेड बॉडी को ही कैडेवर बोलते हैं। कोई बात नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया था पहली बार में कि क्या होता है। मैंने यहीं आके सुना था कि हाँ मेडिकल कॉलेज में इसको ये बोलते हैं। हाँ, ये है हमारी ऑर्गन लाइब्रेरी, जिसमें हमारे सारे ऑर्गन जो हैं बॉडी के फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में रखे रहते हैं, और हमको कुछ भी यहाँ पर स्टडी करना होता है हम आते हैं। ये हमारा एनाटॉमी का बोर्ड है, जहाँ पर एनाटॉमी से रिलेटेड जो भी सर लगाते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ये देखो डीन ऑफिस में कुछ एप्लीकेशन दे रहे हैं मेरे बैचमेट्स। हाँ, आई थिंक लिफ्ट से प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे हॉस्टल में भी लिफ्ट का जो है कुछ ख़राब हो गया है वो है। हाँ, अब हमारे तीनों डिपार्टमेंट्स हो गए, अब हमारा एग्जिट गेट है, ठीक है, जो हम से बाहर निकलेंगे। बॉयज़ का वही है जिससे हमने एंट्री किया था, लॉनवाला मैं बोल रही थी एरिया। ये हमारा जो है बेसमेंट एरिया से हम लोग अपने हॉस्टल की तरफ जाते हैं। ये पार्किंग वाला एरिया है बेसमेंट में, स्टूडेंट और टीचर्स जो भी है, जिन सारी गाड़ियाँ जो भी है व्हीकल पूरे पार्क होते हैं, और सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक दो भैया रहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मतलब जहाँ पे क्लासेस वगैरह लगती है उस चीज़ उससे बाहर आ गए हम। अभी हम, ये है हमारा लाइब्रेरी है, ठीक है, जहाँ पे हमको जैसे मान लो हमें ये कोई बुक्स पढ़नी, क्योंकि हर बुक्स मेडिकल की हर स्टूडेंट नहीं खरीद पाता, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आती हैं, ठीक है। मेरे पास भी काफ़ी बुक्स नहीं है, मैं जब भी मुझे पढ़ना होता है मैं लाइब्रेरी से इशू करा लेती हूँ। इसी में हमारी काउंसलिंग चल रही, 2021 वाले बैच की काउंसलिंग भी इसी में होगी, देन इसमें हमारी लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें वापस ले जा रही हूँ कहाँ पे, एक और बैक गेट से, जिससे हम लोग जाते हैं ज़्यादातर, जिससे अभी वापस आए थे उससे या इससे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको उधर फ्रंट ऑफ गेट से बहुत घूमना पड़ता है, तो इसीलिए हम ये पीछे से जाते हैं। अब मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी छूट चुकी है, जो मैंने नहीं दिखाई, जो मैं लास्ट में दिखा रही हूँ, चलो हम इसे चलते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, जिसमें सच कहूँ तो मुझे आती है बहुत नींद, क्या ना, तुम समझ जाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ। चलो देख के बताते हैं क्या है, गैस करो क्या है। तो बच्चों देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसका ये व्यू बहुत सुंदर लगता है। देखो यार, मैं वीडियो टूर तो करा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई है ना करना शुरू कर दो। जिसने पढ़ाई शुरू नहीं की है, जिसको चाहे उसके कितने भी मार्क्स आए हों, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करो अपना, ठीक है ना, क्योंकि देखो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, है ना। डिसाइड कर लो कि हमको करना है कि नहीं करना है, और लग जाओ, क्योंकि दिवाली निकल गया, अब ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास में, ठीक है ना। हाँ, तो देखो अभी हम बस पहुँचने वाले हैं अपने LT एरिया, यानी लेक्चर थिएटर में, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रही थी कि और एक बात और मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और मैं अपनी तरफ से भी मैं तुम्हें पूरी स्ट्रेटजी जो है एग्ज़ाम तक मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। मैं अपने एग्ज़ाम्स के बाद आई थिंक अगले वीक में मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। हॉस्टल टूर का भी जो है रूम टूर, हॉस्टल टूर, वो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है ना। तो चलो हम चलते हैं अभी हमारा जो है, देखो कितना सुंदर लगता है, बहुत साफ़ सफाई बहुत रहती है हमारे कॉलेज में, है ना, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है, ठीक है। ये हमारी जो तुम्हें गेट दिख रहे हैं, ये हमारे लेक्चर थिएटर हैं, है ना। ये देखो लॉन वाला एरिया में, इसी बॉयज इसी से वापस जाते हैं, इसी से आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो हॉस्टल बाहर है। ये है हमारा LT लेक्चर थिएटर, इसमें हमारी क्लासेस लगती है, ठीक है। ये मेरे बैचमेट्स बैठे हैं, क्योंकि ना अभी देखो काफ़ी कम बच्चे हैं, क्योंकि इस दिवाली की छुट्टी से काफ़ी लोग आए नहीं हैं, अभी सर नहीं आए हैं आई थिंक अभी, हाँ, है ना। तो ये हो गया हमारा लेक्चर थिएटर, ओके। तीन डिपार्टमेंट जो कि फर्स्ट ईयर के होते हैं उनके बारे में बताया, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मेरे एग्जाम्स हैं, देन मैं एग्ज़ाम ख़त्म होते मैं और जितने जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सारे उनके भी वीडियो मैं जो है आपको दिखा के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और हॉस्टल्स का भी जो है कमेंट्स आया था कि दी हॉस्टल टूर, हाँ, तो मैं हॉस्टल का भी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने जो है बना लिया है, बट उसे मैं अपलोड कर दूंगी एक दो दिन में, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा क्या हॉस्टल भी चेंज हुआ था, हम पहले जिस हॉस्टल में रहते थे तो हमारा भी सीनियर हॉस्टल में हम शिफ्ट हो चुके हैं, बिकॉज क्योंकि जूनियर्स आने वाले, 2021 बैच आने वाला है,
तो इसलिए हमारा जो है क्योंकि उनको जो जूनियर्स को हमेशा एक सेपरेट हॉस्टल में रखा जाता है, क्योंकि जैसे सोचते कि भाई सीनियर जो है रैगिंग लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भी कुछ नहीं हुआ, नाम के अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं है कि मतलब पहले की तरह कि बहुत ज़्यादा रैगिंग हो रही है या कुछ भी किसी के साथ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, वेट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, ये तो ठीक है कैंपस टूर और हॉस्टल टूर, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं इस पर जो है वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ, कंटेंट मतलब नीट का कंटेंट। ठीक है, तो प्लीज़ जिसको जो जिस पीसीबी में से तीनों सब्जेक्ट्स में से जिस भी टॉपिक में जिसको जो प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करो, मैं उस पर वीडियो बना के तुमको जरूर समझाऊंगी। क्योंकि मैं मतलब मोटिवेशन के साथ साथ मैं जो है कि कैंपस टूर और हॉस्टल टूर ठीक है करा दिया, लेकिन मैं आगे जो है इस पर तुम्हारी रियल जो हेल्प है वो है स्टडी में, उसे मैं करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि मैं मतलब तुम्हें किस चीज़ में, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे केमिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत बच्चों को ऑर्गेनिक में दिक्कत आता है, तो प्लीज़ जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट्स करो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, जो भी इसको देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। नहीं तो ऐसा लगता है कि यार नहीं, किसी को कुछ पसंद ही नहीं यार। ये मोटिवेशन की बात कह रही हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसके भी जो भी मार्क्स आए हैं प्लीज़ डिसाइड कर लो, क्योंकि अब दिवाली निकल चुकी है। काउंसलिंग का वेट मत करो कि काउंसलिंग खत्म हो जाएगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और हाँ, आगे तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, मैं इसके लिए बहुत जल्द आई थिंक 28 नवंबर को जो है वीडियो अपलोड कर दूंगी, पूरा स्ट्रेटजी एकदम लास्ट तक, लास्ट एग्जाम तक कि तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। तब तक अपना जो है मन को बिल्कुल बना लो कि नहीं यार डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। ये कहावत सुनिए, मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, तो वही है बस। ठीक है, अब चलो पढ़ते रहो बच्चों, अपना ध्यान रखो। तो चलो पढ़ते रहो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखो। ओके, बाय।